शहर हैदराबाद में रामनवमी जुलूस के पेश नज़र, सिटी पुलिस का अमला है अलर्ट। लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखने के लिए की जा रही है अभी से ही जुस्तजू। पैरामिलिट्री फोर्सेस की हुई तैनाती, गैर समाजी और गुंडा नासिर पर है पुलिस की कड़ी नज़र। जी हां, 30 मार्च मंगल के दिन रामनवमी का जुलूस बड़े ही धूमधाम के साथ निकाला जाता है और इस मौके पर हमारे शहर में हालात को पुरमन रखने के लिए सिटी पुलिस के कमिश्नर सीवी आनंद आईपीएस की राष्ट्र निगरानी में अभी से ही पुलिस अमले की तरफ से खास तौर पर बंदोबस्त शुरू कर दिया गया है और फिर आवाम में एतमाद बहाल करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी फ्लैग मार्च अंजाम दिया जा रहा है। 25 मार्च हफ्ते के दिन वेस्ट जोन के मंगलहाट और शाहिनतगंज पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पुलिस अमले ने फ्लैग मार्च को अंजाम दिया और फिर साथ में घुड़सवार पुलिस का भी मार्च अंजाम दिया गया और यहां के हालात का जायज़ा लिया गया, क्योंकि गोशा महल, बेगम बाज़ार, मंगलहाट, धूलपेट, चुड़ी बाज़ार व दीगर एरिया शहर के इंतहाई हसास मुकामात में से माने जाते हैं, क्योंकि कुछ शरपसंद लोग यहाँ रहते हुए अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए गैर ज़रूरी तौर पर बातों का इस्तेमाल करके दूसरों के मज़ाहब को बुरा भला बोलकर दिलाज़ारी करते हुए माहौल को ख़राब करने की कोशिश भी करते हैं। इसीलिए पुलिस अमले ने यहीं से ही पुलिस के फ्लैग मार्च की मुहिम को शुरू किया और फिर तमाम मज़ाहब के लोगों से एकजुट रहते हुए शहर के माहौल को पुरअमन बनाने में अहम रोल अदा करने की अपील की है और फिर अफवाहों पर कान न धरने की भी अपील की है। वैसे भी पुलिस अमला अब ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाने वालों पर भी खास नज़र रख रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करने का भी पुलिस के अहदेदारों ने ऐलान कर दिया है, जिनकी वजह से ही पुरअमन माहौल बिगड़ जाता है। इनके अलावा कुछ हेटमोंगर्स पर भी पुलिस अमले को अभी से ही कार्रवाई करना चाहिए, जो गैर ज़रूरी तौर पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारे शहर हैदराबाद में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम है और यहाँ हर कोई एक दूसरे के मजहब का रेस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे के फेस्टिवल्स में पेश रहते हैं, मगर कुछ लोग बाहरी स्टेट से आकर यहाँ बस गए और फिर नफरत वाली पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मगर ये तेलंगाना स्टेट मुल्क के नंबर वन सेकुलर लीडर और सबके चहेते चीफ मिनिस्टर केसीआर की रियासत है, जहाँ पर सभी धर्म और मजहब का रेस्पेक्ट भी किया जाता है। इसीलिए भी भक्तों की पार्टी बीजेपी के कुछ लीडर्स तेलंगाना स्टेट में होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए अभी से ही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें हम सब हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट होकर हेट मंगर्स को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जिस पर क्या कहना है आप सबका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना और साथ में पुलिस फ्लैग मार्च के कुछ मनाजिर भी एक बार ज़रूर देख लेना। इसके अलावा वेस्ट और साउथ जोन के DCP का भी बयान एक बार ज़रूर सुन लेना। मंगलहाट PS में और शाहिनतगंज पुलिस स्टेशन लिमिट में यहाँ पे श्री रामनवमी के बारे में फ्लैग मार्च ऑर्गेनाइज किया गया। इसकी तरफ से इसमें टोटल पुलिस की तरफ से हैदराबाद सिटी की तरफ से टोटल 200 प्लस यहाँ पे पुलिस पर्सनल शामिल हुए थे। इसके अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ ACP गोशामल सतीश और साथ में ACP आसिफ नगर शिव मारुती, इनकी तरफ से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अंदर पुलिस की तरफ से जो 30 तारीख को यहाँ पे डब्ल्यू भी होने वाला है, इसके लिए पुलिस की तरफ से सभी तरह के मेजर्स यहाँ पे लिए गए। इसके पहले ही सभी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन लोगों के साथ हमने मीटिंग यहाँ पे कॉर्डिनेट किया। साथ में कल भी यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स का जॉइंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ सिटी सर यहाँ पे लिया जाएगा। इसी तरह हम गार्डन में द्रौपदी गार्डन में मैं सभी लोगों को साउथ जोन पुलिस की तरफ से और साथ में हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से सभी लोगों का आह्वान करता हूँ कि सभी लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ आके किसी तरह का भेदभाव ना करते हुए इस शादी की तरीके से अमन की तरीके से यहाँ पे हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। अभी रमजान चल रहा है और आगे रामनवमी आ रही, तो मेरी तरफ से हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से सभी लोगों को रमजान की और साथ में श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोग एक साथ आके यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट करें। यदि कोई किसी तरह का एंटी सोशल एलिमेंट एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करता है या किसी तरह का कम्युनल एक्टिविटीज़ यहाँ पे फैलाता है तो डेफिनेटली पुलिस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा और